हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम के शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो उसके हम डिफरेंट डिफरेंट केस हैं, ठीक है, वो हम इस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। लास्ट के वीडियोज में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बीम में जो रिएक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड अभी तक वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियोज देख लीजिए, उनका लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो केस फर्स्ट हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, और कैंटिलीवर बीम में फर्स्ट केस है हमारे पास जब कैंटिलीवर बीम पे क्या लगा हो, पॉइंट लोड लगा हो एंड पे, तो उस टाइप पे हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। केस फर्स्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास इस पे एंड पॉइंट पे क्या लगा हो, पॉइंट लोड। तो एंड पॉइंट है और इस पे हमने कितना लोड लगा दिया, डब्लू, ठीक है। और यहाँ पे इसको नेम दे दिया हमने बी पॉइंट है, ये है इधर, ठीक है। एंड जो कैंटिलीवर बीम है जो लोड लगा हुआ है डब्लू, उसकी लेंथ कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है फिक्स एंड से एल डिस्टेंस पे, ठीक है। और यहाँ पे हम ए पॉइंट पे रिएक्शंस मान लेते हैं, क्या लग रहा है आपको, आर ए, ठीक है, ये वाला एंड तो फ्री है। हम एक सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्स, जो कि फ्री एंड से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैंटिलीवर बीम की बात करें तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जिसका एक एंड फिक्स हो दूसरा एंड फ्री हो, उस टाइप की बीम को हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, क्लियर ना। चलिए अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, शियर फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स, ठीक है, एस एफ, एस एफ डी और बी एम डी हमें ड्रॉ करना है। तो शियर फोर्स एट बी पॉइंट, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, शियर फोर्स एट बी पॉइंट। तो शियर फोर्स का मतलब क्या होता है, जितने भी एल्जेब्रिक फोर्स, एल्जेब्रिक सम, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, लोड्स लग रहे हैं, उन सभी का एल्जेब्रिक सम होता है। तो बी पॉइंट पे यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप हाथ रखिए और देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितने लोड लग रहे हैं बी पॉइंट पे, डब्लू लग रहा है, ठीक है, और कोई लोड है नहीं है। तो यहाँ पे इसका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारे पास डब्लू। तो इट मीन्स कितना डाउन लोड लग रहा है ये। और यहाँ पे हमने साइंस के बारे में डिस्कस किया था, जो जो साइन कन्वेंशन थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी देख लेना। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, डब्लू डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड पे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्लियर, ठीक है, डब्लू प्लस का होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास शियर फोर्स एट कौन सा सेक्शन ले लिया हमने, एक्स एक्स, एक्स एक्स ये रहा हमारे पास एक्स एक्स सेक्शन। तो यहाँ पे हमने हाथ रखा और देखा हमने राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कितने फोर्सेस लग रहे हैं, डब्लू। एक्स एक्स एक्शन तक ओनली कौन सा लोड है, डब्लू है, और वो भी कैसे है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से भी, यहाँ पे भी सेक्शन एक्स एक्स पे भी लोड कितना होगा, शियर फोर्स कितना होगा, ओनली डब्लू। फिर आए हम कौन से वाले पॉइंट पे, शियर फोर्स एट ए पॉइंट, ठीक है, ए पे देखा हमने, ए पे हाथ रखा, देखा कितना लोड लग रहा है, डब्लू लग रहा है और कोई लोड नहीं है। तो यहाँ पे शियर फोर्स एट ए पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा, शियर फोर्स ए पॉइंट पे डब्लू, ठीक है। तो ये हमारा शियर फोर्स हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो हमें कैलकुलेट करना है, बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, एम से लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, एंड बी। तो यहाँ पे बी पे कितना लोड लग रहा है, डब्लू, और वो क्या है, डाउनवर्ड। तो मोमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई लोड, ठीक है, परपेंडिकुलर लोड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो कितना लोड लग रहा है, डब्लू, डब्लू लोड लग रहा है, कितना डिस्टेंस है, जीरो। तो डब्लू मल्टीप्लाई बाई जीरो, इट मीन्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो मोमेंट होगा बी पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, जीरो। फिर आते हैं हम मोमेंट एट एक्स एक्स एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, ये एक्स एक्स एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे डब्लू लोड लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है एक्स एक्स एक्शन से, एक्स। तो यहाँ पे मोमेंट कितना हो जाएगा, डब्लू एक्स,
लोड होगा, एक्स क्या होगा, डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो ये एक्स है, डब्ल्यू हेड कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है ना डब्ल्यू लोड, तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग होगी या सैगिंग होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सैगिंग कराने की कोशिश करेगा, ये क्या कराएगा, सैगिंग। और सैगिंग में हम, सॉरी, हॉगिंग होगी, ठीक है, हॉगिंग होगी। और हॉगिंग में हम क्या करते हैं, हॉगिंग में हम क्या, कौन सा साइन यूज, क्योंकि ऐसा हो जाएगा, और हॉगिंग में हम कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस, ठीक है। मैंने बताया था ना हैप्पी बीम और सैड बीम, ठीक है, मैंने उसके ट्रिक्स भी बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगी, इसमें हॉगिंग होगी, क्या होगा, हॉगिंग, डब्ल्यू के कारण क्या होगा, हॉगिंग। और हॉगिंग में कौन सा साइन यूज करते हैं हम, नेगेटिव, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू एक्स है वो कैसे साइन आएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम कौन से वाले पॉइंट पे, ए पे, मोमेंट एट ए पॉइंट, तो यहाँ पे ए है, ए पॉइंट आ गया, ए से और बी तक का कितना डिस्टेंस है, एल, और कितना लोड क्या लग रहा है, डब्ल्यू, कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये भी क्या कराने की कोशिश करेगा, हॉगिंग, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस डब्ल्यू एल, क्लियर ना। तो ये हमारे पास बी पॉइंट पे एक्स एक्स जो सेक्शन हमने माना था उस पे, और ए पॉइंट पे हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम था, कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके एक एंड पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा हुआ था, कितना, डब्ल्यू, ठीक है, ये बी पॉइंट था हमारा, ये ए पॉइंट है, और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, एल थी। हमने एक सेक्शन लिया था, वो क्या लिया था, एक्स एक्स, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, क्लियर ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम शियर फोर्स डायग्राम पे, यहाँ पे एक एज इट इज यहाँ पे लाइन, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बी पॉइंट है आपका, यहाँ पे एक्स एक्स था और ये ए था, ठीक है। बी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना था हमारा, बी पॉइंट पे शियर फोर्स देखेंगे हम, तो बी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना था, डब्ल्यू, डब्ल्यू कैसा है, प्लस, ठीक है, तो बेस लाइन से ऊपर जाएंगे हम, ये लो प्लस डब्ल्यू, क्लियर। फिर उसके बाद में हम आए एक्स एक्स पे, तो एक्स एक्स पे भी कितना था शेयर फोर्स, डब्ल्यू ही था, प्लस, तो यहाँ पे भी कितना होगा, डब्ल्यू है। उसके बाद में ए पॉइंट पे भी कितना था, डब्ल्यू, ठीक है, तो इसको एज इट इज मैच कर दो, ये कितना था, डब्ल्यू, और ये प्लस, ये क्या आ गया हमारे अपने पास, किसका डाइग्राम आ गया, एस एफ डी, प्लस बेस लाइन से अबाव बनाया हमने, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन हो जाएगा, क्लियर ना। अब आते हैं हम इसके एस एफ डी के बाद में बी एम डी, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे हम, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये बेस लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये बी पॉइंट है आपका, ये एक्स एक्स है और ए पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे मोमेंट कितना था हमारा, जीरो था, अभी अभी हमने निकाला, बी पॉइंट पे मोमेंट जीरो, ठीक है, जीरो, तो ये जीरो, यहाँ पे एक्स एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन पे माइनस डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू एक्स कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो माइनस माइनस डब्ल्यू एक्स, और ए पे कितना होगा, डब्ल्यू एल था, कितना था, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल, तो बेस लाइन से नीचे बनेगा, तो ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, ये माइनस में, ये क्या आ गया हमारे पास, बी एम डी, क्लियर ना। ये हमारा क्या है, बेस लाइन है, ये लेंथ कितनी है इसकी, एल है, ठीक है, ये लाइन कैसी है हमारे पास, ये लाइन यहाँ पे मेंशन कर देना, स्ट्रेट लाइन है, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो ये हमारे पास एस एफ डी और बी एम डी था, किसका, कैंटिलीवर बीम पे जब पॉइंट लोड लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, सेकंड केस है इसी का, या फिर इसका कोई न्यूमेरिकल करना चाह रहे हो तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, सिंपल सा एंड इजी सा, या फिर आप इसके न्यूमेरिकल्स तो बाद में कर लेंगे हम, नेक्स्ट इसका केस देख लेते हैं हम, कि जब कैंटिलीवर बीम पे क्या लगा हुआ हो, यूडीएल लगा हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो केस सेकेंड है इसका, केस सेकेंड, चलो इसका वो कर लेते हैं हम, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाए, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसका, हमारे पास एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, वेट ए मिनट, एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और इस पे यहाँ पे पॉइंट लोड्स लगे हुए हैं, 10 न्यूटन है,
ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे लगा हुआ है 2 न्यूटन लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास 10 न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का है 2 मीटर है, और टोटल हमें दे रखा है 6 मीटर। कितना दे रखा है? 6 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका? ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, ये सी है, और ये डी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है इसका? एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एस एफ डी क्या होगा एंड बी एम डी क्या होगा, वो डायग्राम दोनों हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीयर फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? सीयर फोर्स, सीयर फोर्स। ठीक है, ये तो पता चल गया आपको कि ये क्या है, कैंटिलीवर बीम है। तो सीयर फोर्स, सबसे पहले हमारे पास सीयर फोर्स एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पे हम सीयर फोर्स देखेंगे। तो हमने क्या किया, सी पॉइंट, बी पॉइंट से इधर थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रखा और देखा कि कितने लोड लग रहे हैं। एक लोड लग रहा है, कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। ठीक है, तो कैसा लेंगे हम? डाउनवर्ड लग रहा है लेफ्ट साइड, तो कैसा लेंगे? प्लस में होगा, तो 10 न्यूटन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे कुछ पे सीयर फोर्स एट सी पॉइंट, तो सी से हमने इधर हाथ रखा है, यहाँ पे देखा कितने लोड लग रहे हैं, 2 लोड लग रहे हैं, 10 न्यूटन बी पे लग रहा है और 2 न्यूटन सी पे लग रहा है। तो दोनों कैसे लग रहे हैं? डाउनवर्ड। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, कितना हो गया? 12 न्यूटन। दोनों डाउनवर्ड थे तो पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद में सीयर फोर्स एट डी पॉइंट, तो हमने देखा डी पॉइंट पे यहाँ पे हाथ रखा हमने और देखा कि कितने लोड लग रहे हैं, 3 लोड लग रहे हैं, 10, 2 एंड 2, 10। ठीक है, तो तीनों कैसे लग रहे हैं? डाउनवर्ड, तो प्लस ले लेंगे, 10 प्लस 2 प्लस 10, कितना हो गया? 22 न्यूटन। ठीक है, तो सीयर फोर्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ए, सीयर फोर्स एट ए। ठीक है, तो ए पे हमने हाथ रखा और देखा कितने लोड लग रहे हैं, 3 लोड लग रहे हैं, 10 न्यूटन 2 न्यूटन और 10। ठीक है, और कोई लोड नहीं है, तीनों डाउनवर्ड हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 प्लस 2 प्लस 10, तो कितना आएगा हमारे पास? 22 न्यूटन ही आएगा, प्लस आएगा, साइन कन्वेंशन में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये सारे सीयर फोर्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट हम सबसे पहले निकालेंगे बी पॉइंट पे, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पॉइंट ये रहा हमारे पास। तो बी पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है? 10। पर मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो लोड तो कितना है? 10 है। डिस्टेंस है क्या कुछ भी पे? बी से बी की डिस्टेंस 0 है, तो 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0। ठीक है, फिर मोमेंट एट सी पॉइंट, सी पे हमने देखा, सी पे हाथ रखा और देखा कितने कितना लोड, कौन कौन से क्या लग रहा है? 10 लग रहा है। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है सी से? 2 पे। और 10 न्यूटन है, वो क्या कराने की कोशिश करेगा? हॉगिंग। और कैसे लेंगे? हॉगिंग कराएगा तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? -10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -20 न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे मोमेंट एट डी पॉइंट, मोमेंट एट डी पॉइंट। तो डी पे देखा हमने कितने लोड लग रहे हैं, 10 लग रहा है, 2 लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले 10 न्यूटन लग रहा है डी से कितने डिस्टेंस पे? 4 पे। ठीक ठीक है, क्या कराने की कोशिश करेगा? हॉगिंग। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस लेंगे, हॉगिंग कराएगा तो माइनस, आप देखो यहाँ पे 2 लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है डी से कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर पे। क्या कराने की कोशिश करेगा? हॉगिंग। डाउनवर्ड लग रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? -40 माइनस 4, तो कितना हो गया? -44 न्यूटन मीटर। तो किस पे आ गया? मोमेंट एट डी पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो एम ए, मोमेंट एट ए पॉइंट। तो मोमेंट एट ए पॉइंट पे देखो कौन कौन से लोड लग रहे हैं, 10 न्यूटन लग रहा है, 2 है और 10 है। तो 10 न्यूटन है बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 6 पे। तो ये क्या कराने की कोशिश करेगा? हॉगिंग। तो -10 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर माइनस ये वाला जो 2 न्यूटन है कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 4 पे। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, और जो ये वाला 10 है कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 2 पे। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व कर लेंगे इसको कैलकुलेटर से। एम ए, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया -60, 2 को 4 से -8 -20, तो कितना हो गया हमारे पास? एम ए इज इक्वल टू 80 माइनस 88 न्यूटन मीटर।
तो ये हमारे पास ऑल पॉइंट्स के मोमेंट्स आ गए। अब हम क्या करें, यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, ये कि कैंटिलीवर बीम था। कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर लेते हैं, ये कैंटिलीवर बीम था। यहाँ पे हमारे पास तीन लोड्स लगे हुए थे, ठीक है। पहला था हमारे पास 10 न्यूटन था, फिर 2 न्यूटन था, फिर 10 न्यूटन था। डिस्टेंस कितने कितना था यहाँ पे, ये 2 मीटर पे था और ये भी 2 मीटर पे था। टोटल कितना दे रखा था हमें, 6 मीटर दे रखा था, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये सारे पॉइंट एज इट इज रख देंगे। बी है, सी है, डी है और ए है, ठीक है। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे हमने सी एयर फोर्स कितना फाइंड आउट किया था, 10, और बेस लाइन से कैसा है ऊपर होगा, प्लस में है ना, तो 10 न्यूटन प्लस ऊपर बना देंगे, ये कितना आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। सी पॉइंट पे देखा, सी पे कितना है सी एयर फोर्स, 12 है। सी पे कितना है हमारे पास, 12 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर यहाँ तक तो 10 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 न्यूटन। उसके बाद में डी पॉइंट पे देखा हमने सी एयर फोर्स, डी पॉइंट पे कितना हो जाएगा 22, डी पे कितना होगा 22। तो 12 तो है ही, 10 और यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 22 न्यूटन, ठीक है। और ए पे कितना था हमारा, 22 न्यूटन था। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, शियर फोर्स डायग्राम SFD, सारे प्लस में है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास SFD। अब इसका हम क्या बनाएंगे, BMD बनाएंगे। तो बेस लाइन ड्रॉ की हमने और यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे, बी पॉइंट है था, ये सी है, ये डी है और ये ए था। बी पॉइंट में मोमेंट कितना था, बी पॉइंट पे 0 था, तो 0 कर दो इसको, ठीक है। सी पॉइंट में मोमेंट कितना था, सी पॉइंट पे था हमारे पास -20 न्यूटन, तो बेस लाइन से नीचे बनेगा, तो -20 -20, तो 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। डी पे कितना था, डी पे था हमारे पास -44, तो -44 ज़्यादा होगा, -44 न्यूटन मीटर, ठीक है। और फिर ए पे था हमारे पास 88, तो -88 यहाँ पे होगा कहीं पे, 88 न्यूटन मीटर। तो ये क्या होगा, बेस लाइन से नीचे बनेंगे सारे। और ये लाइन कैसी आएगी हमारे पास, स्ट्रेट आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी माइनस, और ये क्या आ गया हमारे पास, BMD। ओके, बेस लाइन था, ये क्या है हमारे पास, बेस लाइन है, बेस लाइन। और ये वाली लाइन कैसी है हमारे पास, ये है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी, ठीक है, SFD और BMD। तो ये हमने एक जो कैंटिलीवर बीम था उसका शियर फोर्स, जब उस पर पॉइंट लोड लगा हो तो उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो डिस्कस किया है। एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो आपको सॉल्व करना है और उसका मुझे अगर कमेंट में आंसर बताना है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको। तो ये आपके पास आपके लिए क्वेश्चन है, एक यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है इसके मिड पॉइंट पे, ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर है, और पॉइंट लोड कितना लगा हुआ है, 20 न्यूटन। ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका SFD और BMD की वैल्यू जब मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताएं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है, ओके। एंड वैसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।